सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय आठ। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय आठ। भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता, जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया, तो मैं तुझे बाहर भी पाकर तेरा चुंबन लेती और कोई मेरी निंदा न करता। मैं तुझको अपनी माता के घर ले चलती और वह मुझको सिखाती। मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाखमधु और अपने अनारों का रस पिलाती। उसका बाया हाथ मेरे सिर के नीचे होता और वह अपने दाहिने हाथ से मुझे आलिंगन करता। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराती हूं कि तुम मेरे प्रेमी को न जगाओ जब तक कि वह स्वयं उठना न चाहे। यह कौन है जो अपने प्रेमी पर ऊंट की हुई जंगल से चली आती है? सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया, जहां तेरी माता ने तुझे जन्म दिया, जहां तेरी माता को पीड़ाएं उठी। मुझे नगीने की नाई अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज की नाई अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है और ईर्ष्या पाताल के तुल्य निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की चमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। प्रेम पानी की बाढ़ से भी नहीं बुझ सकता और न महानदों में डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की संति दे दे, तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। हमारी एक छोटी बहन है जिसकी छातियां अभी नहीं उभरी। जिस दिन हमारी बहन के ब्याह की बातें लगे, उस दिन हम उसके लिए क्या करें? यदि वह शहरपनाह हो, तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाएंगे, और यदि वह फाटक का किवड़ हो, तो हम उस पर देवदारू की लकड़ी के पटरे लगाएंगे। मैं तो शहरपनाह हूं और मेरी छातियां उसके गुम्मट है, इसलिए मैं अपने प्रेमी की दृष्टि में शांति पाने वाली के नाई थी। बालामून में सुलेमान की दाख की बारी थी। उसने वह दाख की बारी रखवालों को सौंप दी और एक एक रखवाले को उसके फलों के लिए चांदी के हजार हजार टुकड़े देने पड़े। मेरी निज दाख की बारी मेरे सामने है, हे सुलेमान, हजार तो तुझी को और उसके फल के रखवालों को 200 मिलेंगे। तू जो बारियों में रहती है, मित्र लोग तेरा बोल सुनते हैं, उसे मुझको भी सुना। हे मेरे प्रेमी, शीघ्रता कर और सुगंध द्रव्यों के पहाड़ पर चिंकारे व जवान हिरने के नाई बन जा।